हेलो जी, मेरा नाम तस्वीर है और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। बहुत ही उथल पुथल हो गई है पाकिस्तान के अंदर। पुलिस फेल टू अरेस्ट इमरान खान, ये वीडियो हम देखने वाले हैं। आई थिंक इस्लामाबाद की, मतलब जैसे कि मुझे टाइटल्स देखने को मिले हैं, वैसे मुझे पता चला कि इस्लामाबाद की पुलिस जो थी वो इनके जो जमान पार्क है इमरान खान का, वहाँ पर उनके घर के आसपास पहुँच गई और फेल्ड टू अरेस्ट कैसे रही, उनको पूरी इरादे के साथ पकड़ने के लिए पहुंच गई थी। अपडेट फ्रॉम जमान पार्क, देखते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बहुत बड़ी तादाद में दोपहर के वक्त पहुँची जमान पार्क में और 4 बजे शुरू होने वाला ऑपरेशन अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त तकरीबन 9:30 बजे हैं, लगभग 5.5 घंटे हो गए हैं। पुलिस और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं वो जमान पार्क को फतह नहीं कर पा रहे। बहुत थोड़ी तादाद में कारकुन मौजूद थे, इसका पुलिस ने आज फ़ायदा उठाया। 2 वारंट्स मौजूद थे जिनमें इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता था, नाकाबिले ज़मानत वारंट, एक जज साहिबा का नाम लेने के ऊपर, और ये वो केस है जिसमें इमरान खान साहब ने सिर्फ मोहतरमा ज़ेबा साहिबा का नाम लिया था, जज साहिबा का, और ये कहा था कि एक्शन होगा उनके खिलाफ। तो इस पे इमरान खान साहब ने जाकर उनकी अदालत में खड़े होकर माफ़ी भी मांगी थी। एक ये केस है और दूसरा तोशाखाना का वो केस है जिसमें इमरान खान साहब ने कानून के मुताबिक चीज़ें लेकर अपनी मर्ज़ी से अपनी चीज़ भेज दी। दूसरी जानिब तोशाखाना के अंदर बेशुमार इस हमाम में जो लोग नंगे हुए हैं उनके पास सवालों के जवाब भी नहीं हैं, और अभी तो अधूरा तोशाखाना का रिकॉर्ड आया है, पूरा रिकॉर्ड आना तो बाकी है। एक घड़ी के लिए रोने वाले जो हैं वो दर्जनों घड़ियां अपने अपने घरों में ले जा चुके हैं और वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है, और किसी ने भी कभी भी ये चीज़ें अपने गोशवारों में जाहिर नहीं की। तो ये सब लोग बुरी तरह फंस जाएंगे। यानी ये 2 केसेस सिर्फ मिले इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। इनमें से एक केस के अंदर जिसमें इमरान खान साहब को पेश होना था अदालत में और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, उसमें इमरान खान साहब के जो वारंट हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया, जबकि दूसरा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जाया गया टेक्निकल वजूहात की बिना पर। हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, वो इसको नहीं सुन पाई और उन्होंने कहा कि कल इस केस को प्रायोरिटी के ऊपर सुनेंगे। तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का ये एक नादर मौका था पुलिस के पास। बहुत सारे वकला ये कह रहे हैं कि बनीगाला का एड्रेस लिखा हुआ है, आप अदालत में जाएं और जाकर आप बताएं कि जनाब बनीगाला में ये बंदा नहीं है। नॉर्मली ऐसे ही करती है पुलिस, लेकिन यहाँ पे पूरे पाकिस्तान की पुलिस इकट्ठी कर दी गई है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए। कुछ लोगों ने यह कहा कि पुलिस की यूनिफॉर्म के अंदर मौजूद कुछ लोग जो हैं उनका ताल्लुक पुलिस से नहीं है, वो पुलिस वाले नहीं हैं और वो ज़्यादा प्रोफेशनल दिखाई देते हैं, ज़्यादा मजबूत पुलिस से दिखाई देते हैं, और उन्होंने बड़े ज़ोरदार किस्म के हमले भी किए हैं जमान पार्क के ऊपर। कारकुन क्योंकि बहुत थोड़ी तादाद में थे, इसका फ़ायदा उठा के बड़ी तादाद में वहाँ पर पुलिस पहुँच गई, आंसू गैस की शेलिंग की, कैनन से जो है वो जो गन होती है उनकी वाटर गन, उससे उन्होंने फायरिंग की। उसके अलावा उन्होंने कारकुनों के ऊपर लाठी चार्ज किया, दूसरी जानिब कारकुन जो है उन्होंने भी पथराव किया, कारकुनों ने भी डंडे चलाए और पुलिस के साथ एक घुमसान की लड़ाई पड़ गई जमान पार्क के बाहर। वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि पुलिस ने चारों तरफ से सारे इलाकों को कॉर्डन ऑफ कर दिया। हर एरिया, हर रास्ता जो भी जमान पार्क की तरफ जाता था उन तमाम रास्तों को पुलिस ने बंद कर दिया, और ऐसा लगता था जैसे लाल मस्जिद वाला ऑपरेशन नहीं होता एक दौर में जब वो सारा एरिया बंद कर दिया गया था और मीडिया को बाहर निकाल दिया था। ऐसे ही मीडिया वालों को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया गया कि आप अंदर नहीं जा सकते, कवरेज नहीं कर सकते। पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी गई, पूरे इलाके का इंटरनेट बंद कर दिया गया, और जो सराउंडिंग के एरियाज हैं यानी काफ़ी दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक इस वक्त इंटरनेट नहीं चल रहा इमरान खान साहब के घर के आसपास। टेलीफोन की फैसिलिटी मौजूद है लेकिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा उस एरिया के अंदर, और अगर कोई इमरजेंसी होती है तो लोग किस तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं ये भी एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। बहरहाल जमान पार्क के ऊपर जो ऑपरेशन किया, 5 घंटे गुजरने के बावजूद लोग हिम्मत नहीं हारे और वो लड़ते रहे, बेशुमार लोग जख्मी हुए, कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए, और मरियम नवाज साहिबा सारा दिन जो है वो तीली लेकर बैठी रही और आग लगाती रही। वो बार बार ये कहती रही अगर कोई जख्मी हुआ तो मैं ये कर दूंगी, अगर कोई ये हुआ तो कौम ये कर देगी, और फिर उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने जो पुलिस वाले अपनी शेलिंग से बदहाल हुए, अपनी शैलिंग की जद में आके उनकी तस्वीरें पोस्ट करके कहा कि कौम का बेटा ये, तो कौम का बेटा वो, तो मरियम नवाज खुद पत्थर लेकर नैब के दफ्तर के ऊपर जब हमलावर हुई थी और उन्होंने बेशुमार लोगों को वहां जाकर जख्मी कर दिया था, वो मनाजर शायद किसी को याद नहीं है। आज तक कभी रायवंड के ऊपर किसी ने ऐसा हमला और धावा नहीं बोला जैसा हमला इमरान खान साहब के ऊपर किया गया है। रजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले ये बहुत ज्यादा परेशान है। रजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले वो इस बात पर तुले हुए हैं कि जो मर्जी हो जाए उन्होंने अपने रिजीम चेंज ऑपरेशन को जस्टिफाई करके दिखाना है। मिसाल के तौर पर रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हुआ क्या,
पाकिस्तान की इकॉनमी डूब गई, पाकिस्तान के अंदर से लोगों का एतमाद चला गया, पाकिस्तान में जो बाहर से लोग पैसा भेजते थे वो भेजना बंद कर दिया, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी रुक गई, पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो कई गुना बढ़ गई, यानी 50-60 साल के सारे रिकॉर्ड महंगाई के टूट गए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो गुर्बत में इजाफा हो गया, पाकिस्तान के अंदर जो है वो पेट्रोल की कीमतें तारीखी सतह पर सबसे ज़्यादा चली गई, पाकिस्तान के अंदर जो है वो डॉलर की कीमत में 100 रुपए से ज़्यादा का इजाफा हो गया रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक। पाकिस्तान की इकॉनमी का पूरा पट्टा ही बैठ गया, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रुक गई, पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन जो है उसके अहदाफ मुकम्मल होना बंद हो गए, पाकिस्तान के वजीर दिफा ने अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क दिवालिया हो नहीं रहा, ये मुल्क दिवालिया हो चुका है। ये सारा कुछ कब हुआ? ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हुआ और रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में हुआ। अच्छा, सिर्फ ये कुछ नहीं हुआ बल्कि और भी चीज़ें हुई। पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा हो गई, लोग सवालात पूछना शुरू हो गए, लोग गिले और शिकवे करना शुरू हो गए। जनरल बाजवा बड़े बदमजा तरीके से रिटायर हुए क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ने उनसे प्यार करना छोड़ दिया था। करते थे। पाकिस्तान की अवाम गिले और शिकवे कर रही थी कि रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में क्यों होने दिया। इमरान खान साहब अभी तक सवालात उठाते हैं जनरल कमर जवेद बाजवा के बारे में, लेकिन रिजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले किरदारों ने इस ऑपरेशन को जस्टिफाई करने की आज तक जितनी भी कोशिशें की हैं वो सारी नाकाम हुई हैं, और अब वो सारे ये समझ रहे हैं कि इस ऑपरेशन को अगर जस्टिफाई करना है तो जिस आदमी के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया है उस आदमी को रस्ते से हटा दिया जाए। इमरान खान साहब ने यह दावा किया था कि नवाज शरीफ साहब को तहरीरी तौर पे एक बहुत ताकतवर आदमी ने हलफनामा लिखकर दिया है कि वो इमरान खान का पत्ता साफ करके देगा इंतखाबात से पहले पहले, और उसमें दो चीज़ों का वादा किया गया है कि इमरान खान साहब को ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि इमरान खान साहब को नाअहल भी कर दिया जाएगा। और अभी जो सिचुएशन है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का यह दावा है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो उनको जान से मार दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो तो ऐसा लगता है चट्टान की तरह आज खड़े हो गए थे, उन्होंने पुलिस के बहुत डंडे खाए, बहुत मार खाई है, लेकिन इसके बावजूद वो डटे रहे, वो लड़ते रहे, और इतनी लड़ाई हुई कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो धुएं के बादल थे, हर तरफ आग लगी हुई थी, कैंपों तक को पुलिस ने आग लगा दी और मीडिया की गाड़ियों को पुलिस वालों ने तोड़ा है। मैं आपको बता रहा हूं कि मीडिया की गाड़ियों को, और ये विजुअल्स आ जाएंगे क्योंकि मुझे एक खातून ने वहां से फोन करके बताया और वो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि मीडिया की गाड़ियों को पुलिस वालों ने तोड़ा है जानबूझकर और आम लोगों की इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया है। अब ये पुलिस के अंदर कुछ ऐसे लोग मुबैना तौर पे शामिल किए जाते हैं जो तोड़ फोड़ करते हैं, नॉर्मली पुलिस वाले ऐसा नहीं करते। क्राइम रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद थे, नुमान शेख साहब थे, दीगर कुछ और क्राइम रिपोर्टर थे, मैं उन लोगों से मिला हूँ जाके, मैंने उनसे पूछा कि आप जानते हैं कि ये पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा जी नहीं, इनमें बहुत सारे पुलिस वाले हैं जिनको हमने पहले नहीं देखा, या तो ये दूसरे ज़िलों से मंगाए गए हैं, दूसरे इलाकों से इनको लाया गया है इस मारधाड़ के लिए। बल्कि एक पुलिस वाले ने ये कहा कि भुखमदारी लगती है तो नचना बंदर पैदा है और हम बंदर की तरह नाच रहे हैं, यानी पुलिस वाले भी जो कर रहे हैं उनके कॉल बहुत सारे पुलिस वाले मुझे खुद ही आज उन्होंने कहा कि हम खुश नहीं हैं जो हमसे करवाया जा रहा है। 5.5 घंटे के ऑपरेशन में अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं हुई और कारकुनों ने रुकावटें तोड़ के जमान पार्क जाना शुरू कर दिया। यानी मगरब के वक्त जब मैं वहाँ से आ रहा था ट्रांसमिशन करने के लिए, काफ़ी देर हम वहाँ पर मौजूद रहे, जब मैं वापस आ रहा था मगरब के वक्त ट्रांसमिशन करने के लिए तो लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद थी और बहुत सारे लोग बढ़ते चले जा रहे थे जमान पार्क की तरफ। मैंने ऐसा पहले नहीं देखा, नॉर्मली मैं ये देखता रहा हूं कि लोग खतरे से अपने आप को दूर ले जाते हैं, लेकिन इस बार मैंने ऐसा देखा कि लोग खतरे से दूर नहीं जा रहे थे बल्कि लोग खतरे की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। ये क्या हो रहा है? जिन लोगों ने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, फॉर गॉड सेक वो इस बात को समझें, वो इस बात को समझें कि पाकिस्तानी कौम के साथ आप जिद नहीं कर सकते। ये लोग अपने खून पसीने की कमाई से अपना पेट काट के आप लोगों को पालते हैं, आप लोगों को हथियार देते हैं, आप लोगों को सहूलतें देते हैं, आप लोगों को ऑफिस देते हैं, आप लोगों को टैक्सेस देते हैं, तो आप इनकी खिदमत के लिए हैं। आज ये लोग जिद पकड़ चुके हैं कि बंद कमरों के फैसले हमने तस्लीम नहीं करने, आज ये लोग कह चुके हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशंस हमें मजीद इस मुल्क में कबूल नहीं है, आज ये लोग कह चुके हैं कि आप किसी को भी निकाल दें, किसी को भी ले आए, ऐसा हमेशा नहीं होता रहेगा, आज फैसला हम करेंगे। और फैसले का एक आईनी तरीकाकार मौजूद है, अदालत ने कह दिया है कि इंतखाबात करवाए जाएं, बार बार इंतखाबात से भाग जाते हैं, बार बार इंतखाबात से भाग जाते हैं। वो अल्लाह अल्लाह करके खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने तारीख दी तो तारीख कौन सी थी? 28 मई की। यानी अंदाजा करें आप कि इंतखाबात की तारीख 90 दिन के कितने दिनों के बाद वाली दे दी उन्होंने। भाई 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने, आप 90 दिन के अंदर की तारीख दें, उसके बाद कोई वजह हो तो उसको थोड़ा आगे ले जाएं। 30 अप्रैल को
इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में और इसी में होने चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में, और दोनों सूबों में इकट्ठे इलेक्शन करवाने में सबका फायदा है। लेकिन अगर अलग अलग भी हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान में इंतखाबात होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की अवाम को यह हक मिलना चाहिए कि वो फैसला करें कि यहां पर कौन हुकूमत करेगा और कौन नहीं करेगा। यह फैसला बंद कमरों में नहीं होगा, ना हम मानेंगे ना ऐसे इस मुल्क को चलने देंगे। यह मुल्क उसी तरह चलेगा जिस तरह इस मुल्क की अवाम चाहती है, यह मुल्क उसी तरह चलेगा जिस तरह इस मुल्क के अवामी नुमाइंदों ने आईने पाकिस्तान के अंदर लिखा है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो क्या होगा? मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि करना क्या है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे और फिर उन्हें अदालत में पेश नहीं करेंगे, बल्कि किया यह जाएगा कि पहले कर्फ्यू लगाया जाएगा इस्लामाबाद में, और कर्फ्यू के आलम में उनको एक मरतबा अदालत में पेश किया जाएगा, और उसके बाद उनके दूसरे मुकदमात में उनको पकड़ लिया जाएगा। और बहुत सारे मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज किए गए हैं, कुछ का उनको पता है कुछ का उनको नहीं पता। तो 100 के करीब मुकदमात में इमरान खान साहब को एक घुमाया जाएगा, लेकिन उनको अदालतों में पेश नहीं किया जाएगा, हर जगह पे उनकी ऑनलाइन पेशी होगी अदालत में। अभी इमरान खान साहब जख्मी, इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी के भी खदशात हैं, और सिक्योरिटी के खदशात मुझे उन्हीं से हैं जिन्होंने मुझे सिक्योरिटी देनी है, लिहाजा मुझे अदालतें ये सहूलत फराहम करें कि मैं ऑनलाइन आके या वीडियो लिंक के जरिए से मैं अदालत में पेश हो जाऊं। अभी ये सहूलत नहीं दी जा रही, लेकिन आप याद रखिएगा अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो वीडियो लिंक के जरिए उनको अदालतों में पेश किया जाएगा और फिर इमरान खान की हालत को खराब किया जाएगा। याद रखिएगा, इमरान खान को देखकर, इमरान खान को चलता हुआ देखकर, उनकी बातें सुनकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को नहीं, पाकिस्तानियों को भी हौसला मिलता है, उनको हिम्मत मिलती है। तो ये इमरान खान की हालत इतनी बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, ये ऐसी कोशिश करेंगे कि इमरान खान का जो एक ऑरा बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर उसको तबाह करें, लेकिन ये चीज उल्टा इनके गले में पड़ेगी। ये बात मेरी आप याद रखिएगा। आज तक रिजीम चेंज ऑपरेशन करने वालों ने रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो भी किया है वो गलती उनके गले उल्टी पड़ी है। ये गलती इमरान खान को गिरफ्तार करने से क्या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? क्या गैस सस्ती हो जाएगी? क्या पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे? क्या ये मुल्क डिफॉल्ट से बच जाएगा? क्या IMF पाकिस्तान को पैसे दे देगा? ये सारी चीजें नहीं होंगी, ये सारी चीजें गवर्नेंस के साथ होंगी, ये सारी चीजें हुकूमत की समझ बूझ के साथ होंगी जो हुकूमत के अंदर मौजूद नहीं है। वो अदालतें हैं जो हमजा शहबाज को घर की बेसमेंट के अंदर जमानत फराहम कर देती हैं, उन अदालतों में टेक्निकल ग्राउंड्स पे इमरान खान साहब को अभी तक जमानतें नहीं मिल रही। और मरियम नवाज साहब सुबह से तीली लेकर बैठी हैं कि वो चारपाई के नीचे छुप गया है, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, ये क्या हो रहा है? तो ये सारा कुछ पाकिस्तानी कौम को नजर आ रहा है। ये जो नफरत की सियासत मरियम नवाज साहबा कर रही है ना, ये सियासत उनको और उनके वालिद को और उनकी जमात को बहुत महंगी पड़ने वाली है। PMLN के कारकुनों ने मुझे खुद अपने मुंह से कहा है कि ये जो कुछ भी मरियम नवाज कर रही है ये हाथों से लगाई हुई गिरे हमें दांतों से खोलनी पड़ेंगी और ये हमसे तब भी नहीं खुलेंगी। आज बेशुमार कारकुन जो है वो नहर के अंदर कूद के नहर को क्रॉस करके अपने लीडर की हिफाजत के लिए पहुंचे, और अभी भी 8 से 10 हजार बंदा इस वक्त जमान पार्क के बाहर पहुंच चुका है। कैसे करेंगे गिरफ्तार? मेरी इत्तला के मुताबिक पुलिस ऑपरेशन खत्म करके वापस जाना चाहती है और वो अब मजीद ऑपरेशन नहीं करना चाहते, लेकिन आज रात को दोबारा ऑपरेशन भी हो सकता है। इमरान खान साहब के घर के अंदर शेलिंग की गई है, कोशिश ये थी कि उनकी हालत खराब की जाए, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को वो शेल्स भी दिखाए हैं और सारी सिचुएशन उनको बताई है। तो नाज़रीन, अब तक की सूरत हाल है, मैं अगला वीलॉग जाके जमान पार्क से करता हूँ, कोशिश करता हूँ पहुँचने का रास्ता मिले वहाँ पे पहुँचे और पहुँच के देखें सिचुएशन क्या है। लेकिन आपको मैं ये बता दूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज शुरू हो गया है, और जब कोई इतनी बड़ी पोलिटिकल पार्टी लीडरलेस हो जाती है ना, उसका लीडर नहीं होता। देखें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ में इमरान खान साहब ने बेशक एक टीम बनाई है, लेकिन अगर इतनी बड़ी पार्टी लीडरलेस होती है तो लोग खुद फैसला करते हैं। और मैं रिजीम चेंज ऑपरेशन करने वालों को सिर्फ एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये बात आप समझ लीजिए, मैं आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। आप अपने लोगों से लड़ेंगे, आप इनके बीच में से हैं, ये आपके बीच में से नहीं है। करेक्ट है यार, ये आपकी तबीयत साफ़ कर देंगे पाकिस्तानी। ज़िद सिर्फ आपके पास नहीं है, अना सिर्फ आपके पास नहीं है, आप इन लोगों के बीच में से आए हैं, इनके पास भी ज़िद है और इनकी भी अना है, जिस अना के लिए ये पे करते हैं पाकिस्तान को, ये टैक्स देते हैं। तो इन पाकिस्तानियों से लड़ने का फ़ायदा कोई नहीं है। फ़र्ज़ करें आपने एक डमी हुकूमत बना दी और बनाकर बैठा भी दी, जैसे कि अभी बैठाई हुई है, तो क्या फ़ायदा होगा? फ़र्ज़ करें 5 साल के लिए आप दोबारा जरदारी को, शहबाज शरीफ को, मौलाना को, इन सबको मिलाकर बैठा देते हैं, इमरान खान को आप धांधली करके या कुछ भी करके इतनी मकबूलियत के बावजूद इलेक्शन में शिकस्त दे देते हैं, तो क्या पाकिस्तान चल जाएगा? ना पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना पाकिस्तानी पाकिस्तान में खुश होंगे, ना पाकिस्तानी इकॉनमी के ऊपर एतबार करेंगे, ना पाकिस्तानियों को कॉन्फिडेंस वापस आएगा। तो पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं चलेगी जब तक कि पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी।
जब तक लोग अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर लेते तब तक इकॉनमी ठीक नहीं होगी। चुनेंगे तो खुशी से देंगे और शफाफ इलेक्शन, यही एक रेस्क्यू का रास्ता है आपके पास भी और पाकिस्तानियों के पास भी। बाकी मर्जी है, लड़ी जाओ जिन्ना दिल करता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा यार। बहुत ज़्यादा गंदा खेल चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा। क्योंकि यार अगर यहाँ पर देखा जाए, सोचा जाए कि आखिर होने क्या वाला है, इमरान खान को कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनके घर पर पहुंच गए हैं। और सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ ये है कि साजिश टाइप की नज़र आ रही है। जैसा जैसा इन्होंने बताया तो वहाँ पर आप सोचिए कि यार पुलिस के भेष में, वो कहते हैं ना कि शेर के भेष में गीदड़, गीदड़ के भेष में शेर, ऐसे कुछ कहावतें हैं। तो वो चीज़ें मुझे याद आ रही हैं कि पुलिस के भेष में कुछ और आ रहा है, कोई और आ रहा है प्लानिंग के साथ। तो ये आप सोचो कितनी ख़तरनाक चीज़ है। अगर वो इमरान खान बाहर आ गए, मजबूरी से उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, उनके घर में कुछ चीज़ें फेंकी जा रही हैं कि इनको निकाला जाए, एक बार ये बंदा बाहर आए या तो उसको अरेस्ट किया जाए। और अगर वो बाहर आए तो गारंटी नहीं है कि उनको अरेस्ट ही किया जाएगा या कुछ और ही किया जाए उनके साथ। तो बहुत कुछ हो सकता है, गंदा खेल हो रहा है। 10-20 हज़ार लोग उनके घर के सामने हैं, उन्होंने इस चीज़ को टाल दिया है कि पुलिस को हम अंदर नहीं घुसने देंगे, अरेस्ट नहीं करने देंगे। तो ये एक ताकत है पब्लिक की। और जाहिर सी बात है, आप कुछ भी अपने मीडिया में बोलते रहो, मीडिया को बंद करो, सारे रास्ते बंद करो, इंटरनेट लाइट वाइट सब कुछ बंद है, तो बहुत गंदे हालात हैं। ये सारी चीज़ें बंद करने के बाद कुछ भी करो, पब्लिक के मुंह पे टेप लगा दो, कुछ भी करो, लेकिन आप देश को नहीं चला सकते ऐसे। जब तक पब्लिक का चुने हुई चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो देश को नहीं चला सकते। कहते हैं ना मेजॉरिटी, आप 30% होंगे, दूसरी पार्टी पीटीआई की होगी 70%। अगर 70% नहीं चाहती, आप बैठ गए गद्दी पर किसी भी तरीके से, तो 70% अगर नहीं चाहेगी कि ये देश ना चले और आप ना बैठो सीट पर, तो ये देश नहीं चलेगा। बहुत ही क्लियर बात है। और देश को बचाना है तो इस चीज़ पर देखना पड़ेगा कि मेजॉरिटी क्या चाहती है। एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।